जेई मेंस 2023 के जो 24 जनवरी और 25 जनवरी के शिफ्ट 1 एंड 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जो है, जो अभी आने वाले शिफ्ट्स है 29, 30 और 31 और फर्स्ट फेव को, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है इनसे कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए उस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है ना। देखने से इजी लग रहा है। एक ट्राइंगल एबीसी का 3 साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ, एक्स प्लस 2y = 0, एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 21 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेंट्रोइड 2, a दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही ट्रिकी सवाल है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, आईटी का फेवरेट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एबीसी है, इसमें आपको एबी का इक्वेशन दिया हुआ है, एबी का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 2y = 0, और एसी का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये बीसी का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 21a। तो इन दोनों एक को अगर सॉल्व कर देंगे, इन दोनों एक्स प्लस 2y = 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से तो आपको कितना हो जाएगा, 3y = -1, यानी y = -1, और x = 2, यानी इसका जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, -1। और यहाँ पर सेंट्रोइड भी दिया हुआ है जी, वो कितना दिया हुआ है 2, a। अब देखो ये जो लाइन है इसमें क्या है, वेरिएबल है m और a, तो दो इक्वेशन तो आपको चाहिए m और a निकालने के लिए, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिए, x प्लस 2y = 0, इसमें a भी लाई करेगा, b भी लाई करेगा। तो b को अगर हम लोग पैरामेट्रिक के टर्म्स में लिखे, जैसे अगर x का वैल्यू यहाँ पर मैं, आप ऐसा करो, अगर हम लोग y को अल्फा पुट कर दे, y को अल्फा पुट कर दे तो x का वैल्यू हो जाएगा -2α, α। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि एक सिंगल वेरिएबल अल्फा आपको मिल गया, यानी यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो x का वैल्यू, आप x का वैल्यू -2α रख दीजिए और y का वैल्यू अल्फा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसी तरह से सी पॉइंट के लिए इसमें लाई करेगा, इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर x कोऑर्डिनेट को हम लोग अल्फा लिख देंगे, y कोऑर्डिनेट को अगर बीटा लिख देंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 प्लस बीटा, यानी 3 प्लस बीटा, y कोऑर्डिनेट बीटा, x कोऑर्डिनेट 3 प्लस बीटा। अब यहां से एक कंडीशन क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट 2, तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट 2 = कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस बीटा - 2α, यानी 2 प्लस 3 प्लस बीटा - 2α, 2 प्लस 3 प्लस बीटा - 2α/3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट में कितना है, a है, तो a को हम लोग लिख सकते हैं a = ये y कोऑर्डिनेट -1 + α - 1 + α + β - 1 + α + β/3। तो यहां से देखो ध्यान से, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 5, और इधर 6, 6 - 5 कितना हो गया 1, यानी β - 2α = 1 β - 2α = 1, और यहां से आपको मिल रहा है α + β = 3a, 3a + 1। अब इन दोनों से क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं एक एटम्स में। जैसे अगर इन दोनों को हम लोग, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2α - α = ये हो जाएगा 1 - 3a - 1, ये 1 1 कैंसिल, तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना, -3α = -3, यानी -3α = -3a, यानी अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया आपको, a के बराबर मिल गया। जब यहां से आपको अल्फा का वैल्यू a मिल जाएगा, α = a, तो आई कैन राइट α = a, तो यहां से आपको बीटा का वैल्यू हो जाएगा β = 1 + 2a। ध्यान से देखना बच्चों, α = a और β = 1 + 2a, α = a और β = 1 + 2a, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि
यहां पर मैं ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहां से सेंट्रोइड का दो इक्वेशन मिल गया। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है -2 अल्फा कॉमा अल्फा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम लोग रख सकते हैं यहां पर मैं, यानी -2 अल्फा प्लस एम अल्फा इक्वल टू 21 ए। यहां से अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू अगर ए रख देंगे यहां पर मैं, तो आपको मिल जाएगा -2 ए प्लस एम ए इक्वल टू 21 ए, यानी अल्फा की जगह ए, तो यहां से एम ए का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 21 प्लस 2 इक्वल टू 23 ए। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू 23, ए इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू 23। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में जल्दबाजी में इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां से जो रूट है ए इक्वल टू 0 वो लॉस हो जाएगा, ये ध्यान देना है। यहां पर मैं स्टार मार्क करके रख लीजिए यहां पर मैं, तो यहां पर मैं कैंसिल नहीं करेंगे ए इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू 23। इसी तरह से 3 प्लस बीटा कॉमा बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 प्लस बीटा को सेटिस्फाई करा दे यहां पर मैं, तो आपको क्या मिल जाएगा। तो यहां पर मैं अगर हम लोग ए को 0 पुट कर दे बच्चों, अगर हम लोग ए को 0 पुट कर दे, अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 1। तो यहां से जो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास में अल्फा का वैल्यू 0 यानी 0,0 और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,1, 3,1। तो यहां पर मैं बीटा का वैल्यू 1 है ना, तो 3 प्लस 1 यानी 4, बीटा का बीटा 3 प्लस बीटा, तो 3 प्लस 1 4,1। तो जो बीसी का लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 17 और बीसी का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर इक्वल टू 17। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपके पास में, एक टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, इट इंटरसेक्ट हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 2 एट ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक पैराबोला है इस तरह का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y² = 24x, और ये हाइपरबोला कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह का हाइपरबोला होगा, इस तरह का कुछ हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा हाइपरबोला होगा। अब ये बोला जा रहा है कि यहां पर मैं इस पर टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट इस हाइपरबोला को ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो मिड पॉइंट को क्या ले लेंगे, एच कॉमा के, यानी ये जो लाइन है पैराबोला के लिए क्या है, टेंजेंट है, तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x है, ठीक है ना। तो पैराबोला पर जो टेंजेंट होता है वो कितना होता है, कोई भी इस तरह का पैराबोला पर स्टैंडर्ड टेंजेंट लिखते हैं टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। यहाँ पर 24 मतलब 4a = 24, तो a इक्वल टू 6, यानी जो स्टैंडर्ड टेंजेंट लिखेंगे टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6t² ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6t². अब इसमें क्या करना है, ये टेंजेंट है और यही लाइन जो है इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये जिसका मिड पॉइंट एच कॉमा के है, यानी जो ए बी हो जाएगा इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एच कॉमा के, यानी ए बी कॉर्ड हो जाएगा। ये भी क्या हो, कॉर्ड हो जाए किसके लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 2। तो ये जो कॉर्ड का इक्वेशन होता है वो होता है टी इक्वल टू एस 1, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसका, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट जो होता है उसका इक्वेशन लिखते हैं टी इक्वल टू एस 1। तो टी इक्वल टू एस 1 कैसे लिखेंगे, टी इक्वल टू एस 1 लिखना है, इसका मतलब है आपको ऐसा करना है, ध्यान से देखिएगा, टी इक्वल टू एस 1 किसके लिए, एक्स वाई इक्वल टू 2 के लिए, एक्स वाई इक्वल टू 2 के लिए। इसके लिए टी टी कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू के प्लस वाई इंटू एच डिवाइड बाई 2 -2 = s1। ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, टी का इक्वेशन हो जाएगा, और एस वन कैसे कैसे लिखेंगे, एस वन में दोनों को पुट कर देंगे, एच के -2, ये 2 2 कैंसिल, तो ये पूरा कंबाइंड इक्वेशन बन गया, टी इक्वल टू एस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के प्लस वाई एच इक्वल टू 2 hk, ठीक है ना, एक्स एक्स के प्लस वाई एच इक्वल टू 2 h × k। ये तो आपके पास में कौन सा, ये 1 नंबर इक्वेशन और ये 2 नंबर इक्वेशन, यानी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6t², टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6t². अब दोनों लाइन क्या है, सेम लाइन है, दोनों लाइन क्या है, सेम लाइन है, क्यों, क्योंकि यही टेंजेंट
क्वाड हो गया, दोनों सेम लाइन हो जाएगा। और सेम लाइन होगा तो आप ऐसा करो, यहां पर मैं जैसे यहां पर मैं ये इसको इसको कर दो माइनस और यहाँ इक्वल टू कर दो, इक्वल टू, तो कंपेयर कर देंगे दोनों को, कंपेयर कर देंगे तो वाई का कोफिशियंट कितना है एच, और एक वाई का कोफिशियंट कितना है टी है, यानी एच बाई टी इक्वल टू एक्स का कोफिशियंट के, और इधर में कितना है -1, यानी एच बाई टी इक्वल टू के डिवाइड बाई -1 इक्वल टू, इधर में दोनों साइड इक्वल है कितना है 2 hk डिवाइड बाई 6t स्क्वायर। तो यहां से t का वैल्यू निकल जाएगा, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में -h/k, और यहां पर मैं इस इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा k इंटू 6k इंटू t, 6k इंटू t, t का वैल्यू हो जाएगा -h/k इक्वल टू 2 hk, 2 hk, 2 hk। तो यहां से क्या होगा, यहां से देखो 2 hk, तो यहां से आपको हो जाएगा टी वाई, यहां पर टी स्क्वायर है, यहां पर कितना है 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर, तो 6t स्क्वायर यानी 6k, और टी स्क्वायर यानी -h/k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 6, यहाँ पर आ जाएगा -2 hk आ जाएगा, यहाँ पर एक -2 hk भी आएगा, ठीक है ना। तो 6 यहाँ पर में आ जाएगा 6h² डिवाइड बाई k इक्वल टू -2 hk, तो यहाँ से आपको 2 और 6 कैंसिल होकर 3 बनाएगा, और ये h और h भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बन जाएगा k² इक्वल टू -3h, यानी यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू -3x, y² इक्वल टू -3x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा y² इक्वल टू -3x, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, ty = x + at² ध्यान रखिएगा, और पैराबोला y² इक्वल टू 4x का एक और टेंजेंट होता है mx + k/my = ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट t = S1, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लोकस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से, तो आंसर हो गया y² = -3x। तीसरा क्वेश्चन जो है, टेंजेंट टू द कर्व x² / 36 + y² / 16 = 1 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी देन ए बी मिनिमम, ऐसा कुछ है कर्व, कर्व बनाने के एग्जाम में जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ऐसा कुछ होगा। ये इस तरह से टेंजेंट बना रहा है मान लो, ठीक है ना, ये यहाँ पर मैं ए पर किया, यहाँ पर बी पर, तो ए बी का मिनिमम वैल्यू बताना है। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के इलिप्स में क्या ले लेना है, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेना है, क्या ले लेना है पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा x² / a² यानी 6 cos θ, 4 sin θ, ये बहुत यूजफुल है बच्चों पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कितना होता है, पी पॉइंट पर टेंजेंट होता है x/36 × x1 यानी 6 cos θ प्लस y/16 × 4 sin θ = 1। तो यहां पर मैं ये 6 हो जाएगा, यहां पर मैं 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं हो जाएगा x x/6 sec θ प्लस y/4 cosec θ = 1, x/6 sec θ + y/4 cosec θ = 1। तो जब ए पॉइंट निकालेंगे, ए पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा एक्स को, ए पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, यानी वाई को 0 पुट कर दो तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 sec θ, कितना हो जाएगा 6 sec θ। इसी तरह से बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 कर देंगे, बी पॉइंट के लिए एक्स को 0 कर देंगे, एक्स को 0 कर दो, ठीक है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये हो जाएगा 4 cosec θ। तो ए बी का जो लेंथ हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 36 sec²θ, और sec²θ को लिख सकते हैं 1 + tan²θ प्लस ये 4 cosec²θ यानी 16 cosec²θ को लिख सकते हैं 1 cot²θ। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 36 + 16 कितना हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा 52 प्लस, यहां से देखिएगा आपको बन गया 36
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपके पास में ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगाना है किस पर, 36 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा। ये टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल होता है तो ए एम जी एम लगाते हैं। तो इन दोनों का एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 36 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 16 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे टेन और कॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो वन हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इंटू 4, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी दिस क्वांटिटी जो आपके पास में दिख रहा है, 36 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 इंटू 6 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा, 48। यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 48। जब इसका मिनिमम वैल्यू 48, तो 52 प्लस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस 48 यानी अंडर रूट ऑफ 100। तो अंडर रूट 100 यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। यानी टेंजेंट जो है इस पर टच करेगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अगला बार में कुछ आपको सर्कल पर पूछ दे, हो सकता है अगला बार आपको कुछ हाइपरबोला पर पूछ दे कि हाइपरबोला पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ए और बी पर आपको टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो ए बी का मिनिमम बताइए। सर्कल पर पूछ सकता है, किसी पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो बच्चों हमारे पास एक और सवाल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके पास में 25th ऑफ इवनिंग का सवाल है, 25th इवनिंग का बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3। इसका मतलब है क्या हो रहा है, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है इस पर कोई टेंजेंट होगा इस तरह का, मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x कोई टेंजेंट है, ठीक है ना। और कौन सा लाइन, एक्स इक्वल टू 0 ये लाइन है, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 3। वाई इक्वल टू 3 मतलब कुछ इस तरह का लाइन हो जाएगा। ये ट्राइंगल का सर्कम सेंटर यानी ये जो तीन पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा, एक ए ये वाला, एक बी और एक सी। इसका मतलब है कुछ इस तरह कोई भी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात, एक खास बात ये है कि एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3 कैसा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। इसका मतलब अगर इसको x इक्वल टू 0 लिया जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट। तो इन तीनों से जो सर्कल पास करे जाएगा, इन तीनों पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस से जो सर्कल पास करेगा, इस सर्कमफेरेंस का सर्कम सेंटर का लोकस बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पैराबोला पर टेंजेंट लिख लो। पैराबोला पर टेंजेंट कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्लास में लिखा था, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। बहुत अच्छा रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं टी वाई, तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो फोर ए का वैल्यू 6 है, तो ए का वैल्यू कितने के बराबर है, 3/2, यानी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 टी स्क्वायर। यानी ये टेंजेंट हो गया, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है वही क्या होता है, सर्कम सेंटर। यानी सर्कम सेंटर का जिसका लोकस निकालना, उसको क्या मान लेंगे, एच कॉमा के। अब क्या करो, यहां पर मैं एक पॉइंट ये वाला होगा और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, है ना। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट को निकाल लो इसको, है ना। तो ए पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं, ए पॉइंट के लिए एक्स को क्या पुट कर देंगे, 0। यहां से एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में हो जाएगा 3/2 t, 3/2 t। यानी जो ए पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 0, 3/2 t। इसी तरह से आपको बी पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट के लिए वाई को कितना पुट कर देंगे, 3। बी पॉइंट के लिए वाई को पुट कर देंगे 3, यानी 3t इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 t स्क्वायर। तो जो मेरे पास बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई इक्वल टू 3, यानी 3t -3/2 t स्क्वायर, 3t -3/2 t स्क्वायर कॉमा
थ्री। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है, एच कॉमा के, तब क्या लिखोगे, एच टू एच इक्वल टू 0 प्लस दिस, यानी 3t - 3/2t² और यहां पर 2k का वैल्यू लिख सकते हैं, 2k = this + this, यानी 3 + 3/2t, 3 + 3/2t। तो यहां से क्या करो, t का वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहां पर t का वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या थोड़ा सा हम लोग उसको t का वैल्यू पुट कर देना है, तो कितना हो जाएगा यहां पर में 6 हो जाएगा, और आप लिख सकते हो t = यानी t को लिख सकते हैं यहां पर में 2h = 3 × t, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 4k, t = 4k, ये 4k - 6/3, यानी t = हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और यहां पर 2 × 6 और 4k - 6/3, ठीक है ना, ये 3 3 4k - 6, 4k यहां पर में हो जाएगा 4k - 6 और डिवाइड बाय 4k - 6/3, और यहां पर में हमारे पास में 2h = 3 × t आ गया, माइनस 3/2 × t² 3/2 × t² हो जाएगा 4k - 6, 4k - 6/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल, यहां पर एक थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक थ्री कैंसिल होगा, और यहां से आपको 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा, 2k - 3 का होल स्क्वायर, यानी नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं हम लोग 2h = 4k - 6, 2h = 4k - 6 माइनस माइनस यहां पर में एक 2 है, और यहां पर में कितना आपको 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2k - 3 का होल स्क्वायर, यानी -2 × 2k - 3, 2 बाहर आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4, 2k - 3 का होल स्क्वायर, एक 3 भी चला जाएगा भाई, बाई थ्री, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 6h = 12k - 18 -2 × 2k² यानी 4k², यानी -8k² 8k², और यहां पर मैं -6k -12k और -2 यानी +24k, और यहां पर +9 -2 यानी -18, तो यहां पर मैं हो जाएगा आपके पास में 6h = 12k -18 -2 × 8k² 24k, और तब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में लोकस में 6 से ये सारा टर्म कट कट जाएगा, 6 यहां पर बचेगा, 2 यहां पर बचेगा, 3 यहां पर मैं ये वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 6h को लिख देते हैं x, 6x = ये 12k + 24k, यानी आपके पास में हो जाएगा 36y -18 - 18, यानी -36 - 8y², तो इसको जब इसको 2 से कट सकता है, 3x = 18y -18 - 4y², ठीक है ना, तो आपके पास आ गया 4y² माइनस, तो इसको वापस इस तरह से लिख सकते हैं 4y² - 18y + 3x + 3x, 4y² उधर चला गया, और -18y + 3x + 18 = 0, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी तरीका हो सकता है, आप टेंजेंट को y = mx + a/m मान के भी निकाल सकते हैं, तो चलिए ये रहा इस क्वेश्चन, ठीक है ना। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है
एक और सवाल है यहां पर मैं, द डिस्टेंस ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू 2x² एंड वाई इक्वल टू 2x² + 1 फ्रॉम द पॉइंट 0,√3। यानी आपके पास में दो पैराबोला है, दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा, उसका डिस्टेंस निकालना है यहां से। तो सबसे पहले कॉमन टेंजेंट निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन टेंजेंट। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई इक्वल टू 2x², इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई पॉइंट मान ले, इसका कोई पॉइंट मान ले, वो कौन सा पॉइंट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट टी ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट टी ले लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2t², और इसके लिए अगर वाई डैश निकालेंगे तो कितने के बराबर होगा, 4x, और एक्स का वैल्यू टी करेंगे यानी 4t। यानी जो टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पर इसका स्लोप कितने के बराबर हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 4t के बराबर। तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा, वाई माइनस 2t² इक्वल टू 4t इंटू एक्स माइनस टी। तो यहां से हो जाएगा वाई इक्वल टू 4tx और माइनस 4t² + 2t², यानी -2t². ये जो है पहला वाला पैराबोला के लिए टेंजेंट है, ये लाइन फिर से इसी पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट। इसके लिए टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर देंगे क्वाड्रेटिक बना के, तो वाई में पुट कर दीजिए, यहां पर में वाई में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4tx - 2t², 4tx - 2t² = x² + 1। एक्स में क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, x² उधर आएगा, इधर में आ जाएगा माइनस 4tx, उधर चला गया और ये भी चला जाएगा, +1 + 2t² = 0। जब भी टेंजेंट होता है कोई लाइन कोई कर्व पर, तो दोनों को सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करते हैं। तो डी जीरो कर दो तो b² यानी 16t² -4 × 1 + 2t² = 0। तो यहां से आपको 8t² हो गया, और यहाँ पर 8t² 16t² यानी 8t² - 4 यानी 8t² = 4। तो यहां से आपको हो जाएगा t² = 1/2 यानी t = ±1/√2। यानी दो टेंजेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, दो टेंजेंट मिलेगा। तो अपन लोग किसी, यानी दो कॉमन टेंजेंट होगा दोनों कर्व में। अब आपको क्या बोल रहा है, कोई सा भी कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस यहां से, तो चलो टी का वैल्यू अगर +1/√2 ले लेंगे, टी का वैल्यू +1/√2 ले लेंगे तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/√2x - 2t² यानी 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 × 4 × t 1/√2x - 2 × 1/t 1/2। तो यहां पर मैं क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा √2y = 4x - 4x - ये 2 और 2 कैंसिल, 1 बनेगा, इधर में कितना होगा -√2, इधर में हो गया 4x - √2y -√2 = 0, 4x - √2y, और ये 2 2 कैंसिल, 4x - √2 √2y, ये टेंजेंट हो गया। इसका डिस्टेंस कहां से पूछा जा रहा है, कौन सा पॉइंट से बोला गया आपको, 0,√3 से, यानी 0,√3 से आपको टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 0 माइनस माइनस, ध्यान से देखिएगा, √2 × √2 × √3, √2 × √3 -√2 / √ कितना हो जाएगा, 16 + 2 √18, √18। तो यहां से आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा, √2 तो बाहर आ जाएगा, √2 बाहर आ गया, ये हो गया √3 + 1, √3 + 1, और डिवाइड बाय √18 को लिख सकते हैं 3√2, 3√2, तो ये √2 √2 कैंसिल, ये हो गया √3 + 1/3, √3 + 1/3, और कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना, कोई भी एक का टेंजेंट लिख के और उसको डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर एज √3 + 1/3, √3 + 1/3। तो आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
ये भी एक शानदार सवाल है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इस सवाल को भी देख लीजिए। इफ आर इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स दिस एंड सर्कल पासेस थ्रू 1, अल्फा एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज 2, 0 देन 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस। आपको बताना, ये इंटीजर टाइप सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको सर्कल का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा और इलिप्स का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो सवाल में जो है आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा डायग्राम बना लीजिए बच्चों। इलिप्स कैसा है, इस तरह का कोई इलिप्स होगा। आपको बोला जा रहा है एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर आपके पास में, ये इलिप्स हो जाएगा और इसका ये जो मेजर एक्सिस हो जाएगा इसका कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 6, 0। ये वाला हो जाएगा 0, 4। आपको बोला एक सर्कल विथ सेंटर 2, 0, तो 2, 0 कहीं ना कहीं यहाँ रहेगा। एक सर्कल विथ सेंटर 2, 0 और वो जो है मैक्सिमम सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, यानी इलिप्स पर इंस्क्राइब्ड हो जाएगा, यानी अंदर से इलिप्स को क्या करेगा, टच कर जाएगा, कहीं ना कहीं से टच कर जाएगा, अंदर ही रहेगा ये इलिप्स, अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, इंस्क्राइब्ड होगा। तो कहीं ना कहीं टच करेगा इलिप्स और सर्कल, इंस्क्राइब्ड बोला जा रहा है। जब भी आपको बोला जाता है कि अगर कोई एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल सर्कल जो है तीनों साइड्स को टच करता है, तो इस तरह से इलिप्स को टच करेगा। और सर्कल का सेंटर 2, 0 है, सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है आपके पास में 1, अल्फा। तो सर्कल का रेडियस बताना है, सॉरी रेडियस नहीं बताना है आपको, 5 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू बताना है। इसका मतलब है सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा और मैक्सिमम रेडियस होगा, तो मैक्सिमम रेडियस के लिए क्या करेगा, टच करेगा, तो कोई भी पॉइंट पर टच कर सकता है। तो ऐसा करते हैं, ये जो इलिप्स है इसका पैरामेट्रिक पॉइंट ले सकते हैं, कौन सा पॉइंट, a cos θ b sin θ, यानी 6 cos θ और b sin θ यानी 4 sin θ, यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा दोनों को क्या करेगा, टच करेगा। तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा इलिप्स पर वो भी क्या होगा, सर्कल के सेंटर से पास कर जाएगा, सर्कल के सेंटर से पास कर जाएगा, क्योंकि अगर टेंजेंट टच करेगा तो उस पॉइंट से जो नॉर्मल पास होगा वो सर्कल के लिए भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और सर्कल का नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से। तो आपको एक रिजल्ट याद करना है, अगर ये इलिप्स है x²/a²+y²=b, ठीक है ना, इसका नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो होता है ax secθ - by cosec θ = a²-b²। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो 6 cos θ और 4 sin θ पर नॉर्मल रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहां पर मैं सॉरी, तो यहां पर मैं जो पर्टिकुलर नॉर्मल हो जाएगा वो a का वैल्यू कितना है, 6, यानी 6 x sec θ - b 4 y cosec θ और a²-b², 36 - 16 कितना हो गया, 20। अब आपको क्या करना है, इसको 2, 0 से पास करा देना है, यानी x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 6 × 2 यानी 12 sec θ - 0 = 20। तो यहां से जो आपको cos थीटा मिल जाएगा बच्चों, यहां से cos थीटा मिल गया, cos थीटा कितना हो जाएगा, 12/20, 12/20 यानी ये हो जाएगा आपके पास में 4 × 3, 4 × 5 यानी 3/5। तो cos थीटा 3/5, तो यहाँ से sin थीटा हो जाएगा आपके पास में 4/5, cos थीटा 3/5 और sin थीटा 4/5। चलिए अब आपको ये निकल गया, cos थीटा इक्वल टू आपके पास में 12/20 यानी 4 × 3, 4 × 5, sin थीटा 4/5। अब एक चीज ध्यान रखना है आपके पास में, जब ये 2, 0 मिल गया आपके पास में और ये पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट मिल गया, तो जो पी पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में, पी पॉइंट 6 cos θ, तो 6 × 3/5 यानी 6 × 3/5 यानी 6 × 3 यानी 18/5, और 4 sin θ, 4 × 4 यानी 16/5। अब क्या होगा, ये सर्कल में आप ध्यान से देखो, अगला स्लाइड में अगर हम लोग लिखें, अगर यहां ऐसा लिख दें, इसमें हम अपन लोग ये बोल सकते हैं, ये सर्कल में पी और सी के बीच का डिस्टेंस यानी √18/5 - 2² + 0 - 16/5 यानी 16/5
फाइव का होल स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होगा, टू माइनस वन, टू माइनस वन यानी अंडर रूट ऑफ वन प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग, ये कितने के बराबर होगा, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, यहां पर मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर मैं अंडर रूट ऑफ 18 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64, 64 18 माइनस 10 यानी 64, और 16 25 6 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर मैं आपको 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये कितने के बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 300। कितने के बराबर हो गया आपके पास में, हो गया 1 प्लस, ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 320, ये 63 20 डिवाइड बाई 25, 320 डिवाइड बाई 24 25। तो यहां से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर मैं ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 64, 64 इंटू 5 ये हो जाएगा 64, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 64/5 माइनस वन, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 64/5 माइनस वन। तो यहां से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आपके पास में हो गया 59, 59 डिवाइड बाय 5, तो 5 अल्फा स्क्वायर पूछा गया है, 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 59। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से जेईई मेंस में आपको जो सवाल आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पर, वो हम लोगों ने यहाँ पर मैं डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और इससे आप जो आने वाले सेशन में एग्जाम देंगे उससे आपको फायदा जरूर हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। हम लोग इस तरह के क्वेश्चन और वीडियो सोल्यूशन अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।